टीम लैब से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है जायंट स्काई विल। पहली बार देखा तो राउंड राउंड घूमता वो, रंगों में आ या नजर। आई नो आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। आप कहीं मत चले जाना और मैं ये गूगल्स दिन में रूम में पहन के क्या कर रहा हूँ आई डोंट नॉट नो। इट वॉज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था इंट्रोड्यूस करने के लिए इस वीडियो को। ये मैंने ट्राई किया और अभी भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच मेरे बेसुरे सुर को बेयर करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं एशिया के 10th टॉलेस्ट और वर्ल्ड के 12th टॉलेस्ट व्हेल की। हियर वी गो। जायंट स्काई व्हेल ओदाइबा के पैलेट टाउन में है और टीम लैब से बहुत ही नज़दीक है। कोरोना की वजह से अभी जायंट स्काई व्हेल के ओपनिंग टाइमिंग्स 11 AM से 8 PM तक है। रेगुलर डेज पे जब कोरोना नहीं था तब वो 10 AM से 10 PM तक ओपन रहता था। इस पिक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन है। जायंट स्काई व्हेल को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 16 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब आप 16 मिनट्स तक ही जायंट स्काई व्हेल में बैठ सकते हो। और दो टाइप के गोंडोला है, गोंडोला मतलब जिसमें हम बैठते हैं, कलर गोंडोला और सी थ्रू गोंडोला। अगर आपको कलर गोंडोला में बैठना है तब भी आपको 1000 येन देने पड़ेंगे और अगर आपको सी थ्रू गोंडोला में बैठना है तब भी आपको 1000 येन देने पड़ेंगे। डिफरेंस यही है, कलर गोंडोला में आपका वेटिंग टाइम 0 है और अगर आप चाहते हो सी थ्रू गोंडोला में बैठने के लिए तो आपको कम से कम 25 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। अगर हम टिकट की बात करें तो अगर आपकी एज 12 साल या 12 साल से बड़ी है तो यू हैव टू पे 1000 येन। 4 साल से 11 साल के उम्र के बीच वालों को 500 येन देने पड़ते हैं। कैपेसिटी, कलर गोंडोला में अगर आप बैठते हो तो 6 लोग बैठ सकते हैं, अगर आप सी थ्रू गोंडोला में बैठते हो तो कैपेसिटी 4 है। आइए अब कुछ जानते हैं जायंट स्काई व्हील की खास बात है। इसका जो डायामीटर है वो 100 मीटर्स है और ग्राउंड से इसकी ऊंचाई 115 मीटर्स है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा जायंट स्काई व्हील है। इट इज़ एन एक्सेलेंट प्लेस वेर यू कैन ओवरलुक 2 टावर्स, टोक्यो टावर एंड टोक्यो स्काई ट्री एंड 2 ब्रिजेस, रेनबो ब्रिज एंड टोक्यो गेट ब्रिज, एंड यू कैन एन्जॉय नाइट व्यू ऑफ टोक्यो। देर आर 4 सी थ्रू गोंडोलाज हुज फ्लोर्स एंड वॉल्स आर ऑल ट्रांसपेरेंट। इन इट यू कैन एन्जॉय एन एरियल स्ट्रोल फॉर अबाउट 16 मिनट्स। बेटर एरियल स्ट्रोल के लिए मैं भी एक सी थ्रू गोंडोला में बैठा था। अब मैं आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ हाउ इज द व्यू फ्रॉम हियर।
वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई एन्जॉय द राइड। सो बाय एनी मीन्स अगर आपको मौका मिलता है उदयबा जाने का और अगर आप इस प्लेस के नज़दीक हो तो आई सजेस्ट आपको ये ट्राई करना चाहिए। हालांकि टोक्यो के अंदर बहुत सारे प्लेसेस हैं लाइक टोक्यो टावर, टोक्यो स्काई ट्री, गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिस, जहाँ से आप सिटी का ब्यूटीफुल व्यू ले सकते हो, बट हर एक जगह का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है। मुझे यहाँ अच्छा लगा। जो जायंट स्काई व्हील की स्पीड भी है बहुत स्लोली है, तो आप अच्छी तरह से धीरे 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 व्यू ले सकते हो, धीरे धीरे ऊपर जाता है एट द टॉप एंड अगेन इट कम्स डाउन। सो यस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन ईच डेस्टिनेशन इन डिटेल। अगर एक ही वीडियो में 10-15 डेस्टिनेशन आपको दिखा दूँ तो इट्स लाइक आपने सिर्फ पिक्चर्स देखे हैं, बट आई ट्राई कि मैं जितने प्लेसेस विजिट करता हूँ उसका डिटेल में वीडियो बनाओ एंड आप तक पहुँचाओ। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, वीडियोस के ऊपर कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।